हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक कार रिपेयर होने के लिए आया है, और ये जो है एक होम थिएटर का है, 2.1 जो टावर होम थिएटर होता है। तो दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसका एक चैनल वर्क नहीं कर रहा है, और इसमें जो है ना ट्रांजिस्टर भी बदल चुके हैं, जे वाले ट्रांजिस्टर होते हैं, और काफ़ी कॉस्टली ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। और ये ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए लेकर आए हैं, ये तो सिर्फ मैंने ऐसे लिया। ये जो मेरे पास बोर्ड आया है ये उत्तराखंड की तरफ से आए हैं, तो मेरे पास जो मेरे सब्सक्राइबर आए हैं मैं उनसे मिलाना चाहूँगा। तो सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। कहाँ से आए हैं आप? सर हम रुद्रपुर से आए। क्या नाम है आपका? चंद्रभान सक्सेना। चंद्रवार सक्सेना। तो ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड ये रिपेयर नहीं हुआ है, ये सिस्टम कहीं पे? अच्छा सर मैंने दिखाया था वहाँ पे, तो दुकानदार ने इसे देखा। अच्छा हाँ तो देखते देखते पहले तो इसमें कमी थी कि भुक भुक की आवाज़ कर रहा था, तो चल रहा था उस समय। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उसने इसमें मल्टीमीटर लगाया तो ऐसी शॉर्टिंग हुई कि रिपेयर कौन उन्होंने कौन। मना कर दिया मतलब? हाँ उनने मना कर तो दिया कि इतनी दूर से रिपेयर। आप बड़ी उम्मीद पे आए हो कि रिपेयर हो जाएगा ना? अरे सर, सर से तो उम्मीद क्या, सर तो है ही, वो तो सारा काम जानते ही हैं, उनसे चलो बढ़िया देखते थोड़ी हैं, कुछ जो है। भी होगा हम पूरी कोशिश करेंगे रिपेयर करने की, क्योंकि जो भी होगा हम आपके सामने करें। ठीक है, ओके तो सर। आपने इसमें क्या क्या काम किया पहले मुझे बताओगे? ये ट्रांजिस्टर डाले हैं आपने सिर्फ? है हाँ सर, ये वाला ट्रांजिस्टर डाले थे ये आपने ट्रांजिस्टर डाले? कितने के मिले आपको ये ट्रांजिस्टर? ये सर, बहुत कॉस्टली है कितना सर, फिर भी? लगभग दिए थे ये 180 करीब दिए थे। अच्छा, दो ट्रांजिस्टर से इतने महंगे? हाँ चलो कोई बात नहीं है, अब हम इसे रिपेयर करेंगे। अब आप देखना, आपने ट्रांजिस्टर बदल दिए मतलब उसने बदले या आपने बदले? अच्छा ये खुद उसने बदल के दिया है, जैसे मैंने चेक तो कर लिया था आपका वीडियो देख के, अच्छा ये तो ठीक है। ठीक है ये, हाँ लेकिन फॉल्ट फिर भी क्लियर नहीं हुआ, फिर उसने क्या कह दिया? फिर उसने मना ही कर दिया। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके अंदर पावर सप्लाई देनी होगी। पावर सप्लाई वही 24024। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है एसी इनपुट, यहाँ पे 24024। यहाँ पे इन कैपेसिटर के लिए वोल्टेज देनी है, क्योंकि जो कि वे ट्रांजिस्टर को चलाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर रखा है, इसमें दो लूप हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, एक ये है एक ये है। इसमें 12012 है, ये हमारा 24024 है। ये तो हम इसके अंदर दोस्तों 24024 ही यहाँ से दे देंगे, बीच में ग्राउंड होना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर चेंज था, मैंने ये पिन अलग की है। अब चलिए दोस्तों इसे करेंगे रिपेयर, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्पीकर के कनेक्टर ये देख सकते हो, एसपी के आउट, यानी कि एक स्पीकर यहाँ लगेगा, एक स्पीकर यहाँ लगेगा। ग्राहक का कहना है कि यहाँ पे जो दूसरा वाला है ये सही चल रहा है, और जो इंटरनल है उसमें हमिंग आ रही है। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के वायर कनेक्ट करके रखे हैं, और हम यहाँ पे इसे मेन लाइन से कनेक्ट कर देंगे। मेन लाइन से कनेक्ट किया, सीरीज वाल में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों से अभी हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम स्पीकर लगा के देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले कनेक्टर पे, यहाँ पे देख सकते हैं एक कनेक्टर ये है और एक कनेक्टर ये है। तो सबसे पहले हम स्पीकर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना एक स्पीकर कनेक्ट किया, और यहाँ पे ऑडियो इनपुट का कनेक्टर है। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट का जो कनेक्टर दे रखा है, हम उस पे जो है ना हाथ लगा के देखते हैं। ये देखिए साउंड यहाँ इधर की साइड सही आ रहा है। एक यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, ऊपर ग्राउंड है और ऊपर वोल्टेज का है। तो देख सकते हैं ये देखिए सही आ रहा है। तो इधर का सा जो ओके है, ये वाला चैनल ओके हमारा फाइनली। अब आ जाते हैं इधर के चैनल पे, ये हमने यहाँ पे लगाया। तो देखिए जैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ तुरंत ही स्पीकर ऊपर आ जा रहा है। देखिए ये देखिए ये देख सकते हो, और यहाँ पे देखिए ऑडियो का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए फुल शॉटिंग दिखा रहा है। अब मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसकी आउटपुट में डीसी जरूर आ रही होगी, क्योंकि स्पीकर ऊपर की तरफ को आ रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे डीसी चेक करा देता हूँ, डीसी 19 वोल्ट आ रही है। अब ये देखिए इधर कोई डीसी वीसी नहीं है, इधर बीप आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ डीसी आ रही है। अब देखिए दोस्तों शॉर्टिंग नहीं है इसमें, आप देख सकते हो शॉर्टिंग नहीं है। अब मैं यहाँ पे फॉल्ट का अलग ही पता लग जाता है कैसे, देखिए पहले मैं स्पीकर को एक तरफ करता हूँ। यहाँ पे आप समझना फॉल्ट को समझना पहले। देखिए अगर यहाँ पे शॉर्टिंग होती, मतलब सीरीज बल्ब जो है ये फुल ग्लो होता, तो जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर है वे शॉर्ट मिलते, 100% शॉर्ट मिलते, क्योंकि उसका एमिटर बेस कलेक्टर आपस में शॉर्ट मिलता। अब इसके बेस पे जो यहाँ पे वोल्टेज जा रही है ना डीसी, वो जाती है इन ट्रांजिस्टर के द्वारा, छोटे वाले ये होते हैं ना ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं। और आउटपुट में जो एमिटर से आउटपुट हो रही है इनकी, एमिटर या कलेक्टर से जो भी है, तो उसमें हमें डीसी मिल रही है, यानी कि ये अपना काम जो है प्रॉपर कर रहे हैं, और ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये छोटे ट्रांजिस्टर और ये वाले ट्रांजिस्टर चेक करने होंगे, क्योंकि शॉर्टिंग तो इसमें वैसे वाली तो है नहीं जैसे इसमें डीसी
परमानेंट वाली आनी चाहिए थी। इसमें ऐसा आ रही है जब हम स्पीकर लगा रहे हैं तब आ रही है, मतलब जैसे कि ऑडियो के साथ कह सकते हैं। तो जो बड़े वाले टंगस्टन है वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, फिर भी हम आपको टेस्ट करा के दिखा देंगे। तो हमने इसको यहाँ से कनेक्टर को निकाल दिया। अब देखिए आपको मल्टीमीटर यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ मल्टीमीटर रखा। अब देखिए सबसे पहले टंगस्टन चेक करते हैं। पहला टंगस्टन है यहाँ पे, तो इस टंगस्टन को चेक करेंगे हम। तो इस टंगस्टन को चेक करने के लिए ये देखिए, ये एक पीएनपी टंगस्टन है। तो हम इसे यहाँ पे निगेटिव पहले पिन पे रखेंगे, वो पॉजिटिव आ गए 900 कुछ है, सही है। अगला भी सही है, अगले पे भी चेक करते हैं। इधर हमें पलटना होगा पिनों को, यहाँ से चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पे टंगस्टन वाला शॉर्टिंग नहीं है, बड़े वाले टंगस्टन बिल्कुल ओके हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, दो टंगस्टन लगे हैं छोटे वाले, एक टंगस्टन ये लगा हुआ है, एक टंगस्टन ये लगा हुआ है। इसको चेक करते हैं, बेस इसमें क्या है, इसमें ऐसा है बेस कलेक्टर एमिटर, एमिटर बेस कलेक्टर, इस तरह से ये दे रखा है। तो यहाँ पे पलट के लगा बी, यहाँ पे कौन सा है, TIP 41C जो कि दोस्तों एक NPN ट्रांजिस्टर है। और अगला कौन सा लगा है, TIP 42C जो कि एक PNP ट्रांजिस्टर है। तो बेस कलेक्टर एमिटर, बेस कलेक्टर एमिटर इस तरह से है, चेक करते हैं। 57 ओम आ रहे हैं, देखिए 57 ओम आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ये गलत है। यहाँ पे 26 किलो ओम्स आ रहे हैं, ये 57 ओम जो आ रहे हैं गलत है। 500, ये देखिए ये सही है। ये यहाँ पे जो है ना, ये देखिए 1 और 2 नंबर पिन पे दोस्तों गलत आ रही हैं। अब दोस्तों मैं आपके इसकी इक्वलेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम गए, अब हम किसी भी एक ब्राउजर पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ब्राउजर है, यहाँ पे लिखते हैं TIP 41C ट्रांजिस्टर, ठीक है। TIP 41C ट्रांजिस्टर इमेज पे गए, इमेज पे हमने क्लिक किया, पहले इस पे पैकेज पे क्लिक किया, इस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है, बेस कलेक्टर एमिटर, ठीक है ना, बेस कलेक्टर एमिटर NPN ट्रांजिस्टर है। तो इसकी जगह हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर है, कोई से भी लगा सकते हैं। इसका जो हम पहला होना है 13005, हमारे पास 13005 ट्रांजिस्टर अवेलेबल है, तो हम 13005 लगा रहे हैं। तो इसका देखिए इक्वलेंट देख सकते हैं आप, इसमें बेस कलेक्टर एमिटर है और ये भी NPN है। तो हम यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकालते हैं, हमें फॉल्ट पता लग गया है क्या फॉल्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। इस ट्रांजिस्टर को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दिया, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इसे टेस्ट करते हैं, पिन नंबर 1 और 2 पे यहाँ पे दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा था, वो चीज़ चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं 58 ओम्स आ रहे हैं जो कि गलत है। दोस्तों हम यहाँ करेंगे TIP 41C को चेंज करेंगे जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे दोस्तों फॉल्ट आपको दिख गया, फॉल्ट मैंने आपको दिखा दिया, सिंपली एक ही ट्रांजिस्टर निकला खराब। अब छोटे वाले ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। देखिए दोस्तों हमारे पास ये 13005 ट्रांजिस्टर है जो कि एक NPN ट्रांजिस्टर है, काफी अच्छे MPNs के। तो यहाँ से हम एक ट्रांजिस्टर ले लेंगे, ये देख सकते हैं, ये देखिए 13005 ट्रांजिस्टर। तो TIP 41C की जगह हम 13005 ट्रांजिस्टर लगाएंगे और ये यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देंगे। देखिए मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ पहले, ठीक है ना। नए ट्रांजिस्टर की देख लीजिए, पिन नंबर 1 और 2 पे कोई ऐसी शॉर्टिंग नहीं आती है या ओम्स नहीं आते हैं। तो 850 मेगा ओम वो आ रही है, 850 ओम आ रहे हैं सॉरी, तो वो आ रहे हैं, उसमें आ रहे 57 तो शॉर्टिंग है। तो हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे लगा दिया है ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसकी एक्स्ट्रा लैग को कट कर लेंगे यहाँ से, ये हम इसकी यहाँ से एक्स्ट्रा लैग को कट कर लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा लैग कट करने के बाद इसकी सोल्डिंग करते हैं और फिर छोटे वाले ट्रांजिस्टर चेक करने होंगे हमें, ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है इनकी, ये देखिए हमने सोल्डिंग कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पे छोटे वाले ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं एक बार। छोटे वाले ट्रांजिस्टर वैसे इसके खराब नहीं होते हैं, फिर भी हमें चेक करने होंगे किसी पे गलत रीडिंग ना आए। 600 600, और इधर देखते हैं ये भी सही है, ये यहाँ पे कोई भी अब शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना। एक ट्रांजिस्टर ये खराब था हमारा, बाकी अभी से फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से टेस्ट करना होगा। यहीं पे स्पीकर लगाएंगे, पहले DC चेक करेंगे, DC तो नहीं आ रही है, तो लाइन दे दी है। फिर से DC चेक करते हैं, जो कि दोस्तों हमारी DC आ रही थी, 19 वोल्टेज आ रही थी, ये देख सकते हो। अब कोई भी यहाँ पे DC वगैरह नहीं आ रही है। अब यहाँ पे दोस्तों अपना जो स्पीकर है वो कनेक्ट करके देखते हैं, ये हमने कनेक्ट किया स्पीकर, ये देख सकते हो अब कोई DC नहीं आ रही, जैसे स्पीकर एकदम तो चल रहा था। अब देख लेते हैं ऑडियो, ये देखिए, ये देखिए ऑडियो भी आ चुकी है। अब दोस्तों सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, कोई भी सॉन्ग के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने एक यहाँ पे कार्ड लगा रखा है, ठीक है ना, इससे हम इसकी आउटपुट लेते हैं। ये हमने तार ला रखे हैं, तो यहाँ पे ग्राउंड का ग्राउंड पे लगाते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में नीचे की तरफ है हमारी ऑडियो, ये देखिए, ये देख सकते हैं,
रही है, स्पीकर काम करने लगा है, ठीक है, इधर की साइड पे जहाँ पे दिक्कत थी, अब दूसरी साइड पे लगाएंगे, दूसरी साइड पे ऑडियो भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ऑडियो नहीं है वहाँ पे। ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिए, अभी से ऑडियो चेंज करते हैं ऊपर की तरफ। ये देख सकते हैं, ठीक है, हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल ओके हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक ट्रांजिस्टर खराब था और कस्टमर को ये कह देंगे बोर्ड रिपेयर नहीं होगा। और इसमें इन्होंने ये देखिए बड़े वाले ट्रांजिस्टर बदलवा दिए हैं, बड़े वाले ट्रांजिस्टर मैं आपको चेक करा के दिखा देना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये बदलवाए थे, तो टेस्ट करा देता हूँ। ये देखिए शॉर्टिंग नहीं है कुछ भी, देख सकते हैं आप, ये हमारे ये देखिए PNP ट्रांजिस्टर है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है यहाँ पे, NPN ट्रांजिस्टर है, देखिए इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो ट्रांजिस्टर ये हमारे ओके, इन्हें वापसी दे देंगे, इन्हें फ्यूचर में काम आ जाएंगे। सिर्फ एक ट्रांजिस्टर खराब था ये, इस वजह से इतनी बड़ी दिक्कत बना रहे थे, और हमारा चैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। तो सर आपका जो है ये बोर्ड ओके हो चुका है, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, आपका बोर्ड एकदम कंप्लीट है, आप जाके आप चला सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे इसमें कनेक्टर वगैरह सभी दिए हुए हैं, उसे आसानी से आप चला सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताइए। बस बस जी चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इतना ही, जय हिंद जय श्री राम दोस्तों।